जो है चले जाए। मैं खुद ओखला में हम रह रहे हैं तो हमें आज मिले हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आज से पहले जब वीडियो जब तक वायरल नहीं हुआ था, आज जो हमारी बहन है उनका वीडियो वायरल हुआ उससे पहले तक उनको पता ही नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक मुस्लिम आबादी है ओखला के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, हिजाब के क्या पूरा इशू है। तो एटलीस्ट हम इस इशू को जो है वो घर घर तक ले जाने की जरूरत है। और अभी जैसे पहले पिंजरा तोड़ वाले घर घर ले गए थे ना, ध्यान है ना, वो वीडियोस जो हमने दिखाए थे। अधिकार की बात है हमारी, हमारी जो अधिकार है, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, जैसे कि हम सीए में भी ये बात कह रहे थे, ट्रिपल तलाक में भी हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो है मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी और हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और शरिया पे सीधा अटैक है। तो इसी तरह जो है हिजाब का इशू है आज कर्नाटक में है, कल किसी दूसरे स्टेट में। भाई अभी कह रहे थे कि एसआईओ का क्या इकदाम रहेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि शुरू से कर्नाटक में जो पूरा ये इशू जब से शुरू हुआ है तो एसआईओ के जो कैडर्स हैं, जो स्टेट के जिम्मेदारान हैं, वो रेगुलर जो है ग्राउंड पे उतर के जो है इस इशू को जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। रेगुलर जो है हमारे जो जीआईओ है वो रेगुलर सड़कों पे उतर के, और दूसरी स्टेट में भी, मुंबई वगैरह में भी जो है हमारी बहनों ने जो है वो प्रोटेस्ट की है। तो हम लोग सीरियस में, क्योंकि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से जो है हम लोग इशू को जो है ईमानदारी के साथ ले रहे हैं और आगे भी जो है वो मजबूती से लीजिए साहब। तो दिल्ली में भी करना है, मुंबई में भी करना है, सब जगह करना है, फिर से कुल मिलाकर बात वहीं आ जाती कि कैसे भी करके देश को डिस्टर्ब करो। अब ये ऑडियो तो आ गया बाहर, स्पेसेस थी भाई, स्पेसेस बाहर आ गई। अब जरा एक चीज़ और देखिए, आखिर इसके पीछे है कौन। कल हमने आपको दो तीन नाम बताए थे, उसमें एक नाम था आलिया असादी, याद है। चलिए साहब, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेंशन इन द ओडीपी इंसिडेंट देयर। नाजाद असादी, आलिया असादी इस कजन, पूरा परिवार पीएफआई के टच में साहब, प्रूफ ऑफ रेडिकल लिंक्स।